हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसकेजी सामान्य ज्ञान। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। आज हम आपके सामने जो है वो जेओ 2017 का पेपर लेकर आए हैं। ठीक है, ये पेपर जो है ये 28 अप्रैल 2017 को हुआ था। तो शुरू करते हैं। उस समय 200 मार्क्स का पेपर होता था। तो पहला क्वेश्चन है, कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है, कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स क्या है? तो इसका आंसर है बायोमास ऊर्जा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य ग्रहण के समय क्या होता है? तो सूर्य ग्रहण के समय जो है वो चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है। ठीक है, वैज्ञानिक जिन्होंने पहली बार खोज की थी कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ जो है वो परिक्रमा करता है, तो कॉपरनिकस है इसका आंसर। ठीक है, कॉपरनिकस ने ही जो है हीलियोसेंट्रिक थ्योरी दी थी। जल का घनत्व सबसे ज्यादा कब होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पे जो है मैक्सिमम होता है। ठीक है, फिर है बॉल पेन जो है वो किसके सिद्धांत पे काम करता है? तो ये सरफेस टेंशन के सिद्धांत पे काम करता है बॉल पेन। ठीक है, फिर है जब बर्फ पिघलती है तो उसका जो आयतन है वो कम हो जाता है। ठीक है, उसका वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज हो जाता है। फिर है साउंड वेव कैन नॉट पास थ्रू अबव, तो ध्वनि तरंगे कहाँ से गुजर नहीं सकती? तो वो वैक्यूम से गुजर नहीं सकती, पूर्ण रूप से जो निर्वात स्थान होता है जहाँ पे हवा भी नहीं होती, वैक्यूम से ध्वनि तरंगे जो है वो पास नहीं हो सकती, चंद्रमा पे वैक्यूम है। अति उच्च तापमान मापने के लिए कौन से डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है, बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर नापने के लिए? तो हम उसको पायरोमीटर का कहते हैं। ठीक है, तो पायरोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। फिर है मानव नेत्र के रेटिना पर जो है प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? ठीक है, इमेज जो है ह्यूमन आई पे के रेटिना पे कहाँ पे बनती है? तो ये बनती है वास्तविक और उल्टी, रियल और इन्वर्टेड। ठीक है, फिर जो फ्यूज वायर होती है वो किस मिश्र धातु से बनी होती है, अलॉय? तो ये टिन और लेड धातुओं से जो है मिलकर बनती है फ्यूज वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रडार बीम किस चीज से बनी होती है? तो जो रडार बीम होती है वो माइक्रोवेव से बनी होती है, सूक्ष्म तरंगों से। ठीक है, फिर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12, प्रशीतन में कौन सी गैस का इस्तेमाल करते हैं, रेफ्रिजरेशन के लिए हम किस गैस का इस्तेमाल करते हैं? कूल डाउन व्हेन एक्सपेंडेड, ठीक है, जब प्रसारित होती है तो ठंडी होती है। ठीक है, तो जो प्रशीतन में जो गैस का इस्तेमाल हम करते हैं वो आमतौर पे क्या होता है, जब प्रसारित होती है तो वो ठंडी हो जाती है। ठीक है, फिर है भूविज्ञानी वस्तु की तिथि निर्धारण में प्रयुक्त रेडियो सक्रिय पदार्थ कौन सा है? तो डेटिंग में, रेडियो कार्बन डेटिंग में हम जो है वो किसका इस्तेमाल करते हैं, कार्बन-14 का। ठीक है, बटर जो है वो किसका कोलाइडल फॉर्म है? तो बटर जो है जल का वसा में परिक्षेपण जब होता है, ठीक है, वाटर इज डिस्पर्स्ड इन फैट, तो उसको हम बटर कहते हैं। ठीक है, निम्न में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है, डाइजेशन ऑफ फूड, फ्रीजिंग ऑफ वाटर, कर्डिंग ऑफ मिल्क, राइपनिंग ऑफ फूड? तो जो जल का हिमीकरण है, फ्रीजिंग है, ठीक है, बर्फ का जमना, ये कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं है, ये फिजिकल चेंज है, बाकी सब भोजन का पाचन है, चाहे दूध का दही में बनना या फलों का पकना, ये एक रासायनिक परिवर्तन है। कौन सी धातु नरम होती है, तो सोडियम जो धातु है वो नरम होती है। शुष्क बर्फ किसे कहते हैं, तो शुष्क बर्फ जो है वो ड्राई आइस जो है वो शुष्क कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है। ठीक है, शुष्क बर्फ। फिर है ग्लास की उत्तम व्याख्या क्या है, ग्लास का मतलब है सुपर कूल्ड लिक्विड, अति शीतित द्रव्य जो है उसको ग्लास कहा जाता है। ठीक है, फिर है भारी वाहनों में प्रयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। ठीक है, डीजल का प्रयोग जो है वो भारी वाहनों में, बड़े जो व्हीकल है, हैवी व्हीकल है, उसमें डीजल का प्रयोग क्यों करते हैं ईंधन के रूप में, क्योंकि इसमें उच्च शक्ति और आर्थिक बचत होती है। ठीक है, तो अब तो आर्थिक बचत की बात नहीं है क्योंकि डीजल का रेट भी जो है वो पेट्रोल के बराबर ही आ गया, लेकिन पहले जो था वो डीजल का जो, एक तो उसमें ज्यादा शक्ति और दूसरा उससे जो है वो किफायती भी होता था। ठीक है,
फिर है नेचुरल रबड़, जो है वो एक बहुलक है। तो ये नेचुरल रबड़ जो है वो आइसोप्रीन का बहुलक है। फिर है शुद्ध जल का पीएच कितना होता है, तो 7 होता है शुद्ध जल का पीएच। विनेगर का मुख्य घटक क्या है, ठीक है, तो विनेगर जो है वो एसिटिक एसिड को कहा जाता है, सिरका जिसे कहा जाता है, विनेगर को सिरका, तो सिरके को हम एसिटिक एसिड कहते हैं। विटामिन B12 में कौन सा धातु पाया जाता है, विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। वर्मी कंपोस्ट क्या है, तो ये ऑर्गेनिक बायो फर्टिलाइजर है, कार्बनिक बायो उर्वरक, ऑर्गेनिक बायो फर्टिलाइजर है। सेल का आत्मघाती थैला किसे कहते हैं, सुसाइडल बैग किसे कहा जाता है, तो ये लाइसोसोम्स को कहा जाता है, ठीक है। पुरुष में कितने जोड़े पसलियां पाई जाती हैं, पेयर ऑफ रिब्स कितने होते हैं पुरुष में, तो ये होती हैं 12। फिर डायनासोर क्या थे, डायनासोर जो थे वो एक रेप्टाइल थे, सरीसृप थे। MRI क्या है, MRI जो है वो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग की, इसकी फुल फॉर्म है MRI की। ट्यूबरक्लोसिस का क्या कारण है, तो ये बैक्टीरिया है इसका कारण, ठीक है। इंसुलिन जो है क्या है, इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है। पौधे द्वारा भोजन तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो ये प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस कहलाती है, ठीक है। मानवों में पित्त कहाँ पे संग्रह होता है, तो ये पित्ताशय में संग्रह होता है, ठीक है, गॉल ब्लैडर में। ह्यूमन स्किन क्या है, तो ह्यूमन स्किन एक प्रकार का जो है वो ऑर्गन है, ठीक है, अंग है। एक बीज है, क्या है बीज, अ सीड इज राइपन्ड, ठीक है, तो बीज जो है वो क्या है, पका हुआ, तो वो बीजांड है, सीड इज राइपन्ड ओव्यूल, ठीक है, तो एक बीज जो है वो पका हुआ बीजांड है। फिर है सबसे ऊंचा वृक्ष कौन सा है, तो ये सिकुआ जो है वो सबसे ऊंचा वृक्ष है। मिक्स्ड फार्मिंग किसको कहते हैं, मिश्रित खेती, तो अनेक फसलों के साथ, ठीक है, अनेक फसलें उगाना साथ साथ उसके साथ जो है वो पशुपालन करना भी जो है वो मिक्स खेती जो है कहलाता है। केचुआ कृषक मित्र कहलाते हैं, क्योंकि केचुआ कृषक मित्र इसलिए कहलाते हैं क्योंकि वो जो मिट्टी है उसको रंध्रमय जो है बनाते हैं, पोरस बनाते हैं। केसर जो है वो कहाँ से मिलता है, तो केसर जो है वो स्टिग्मा से प्राप्त किया जाता है, किस भाग से प्राप्त किया जाता है, स्टिग्मा से प्राप्त किया जाता है। चाय के उत्तेजन प्रभाव के लिए क्या जिम्मेदार है, तो एल्केलाइड जो है वो चाय के उत्तेजन प्रभाव के लिए जिम्मेदार है। पश्मीना ऊन अपनी उष्णता के लिए प्रसिद्ध है, इसे कहाँ से प्राप्त किया जा सकता है, तो ये बकरे से प्राप्त करते हैं हम पश्मीना ऊन, हिमालयन गोट से। साइबर दुनिया में एनक्रिप्शन से क्या मतलब है, तो ये एल्गोरिथम अल्टरनेशन ऑफ पासवर्ड इनटू स्क्रैप डाटा टू प्रिवेंट एसेस, तो पहुंच रोकने के लिए पासवर्ड का एल्गोरिथम अल्टरेशन और स्क्रैबल डाटा में करना, ठीक है। फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर कौन है, तो सैमुअल क्रे जो है वो फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर है। निम्न में से कौन सी कंप्यूटर लैंग्वेज एक कार्यविधि उन्मुख लैंग्वेज नहीं है, तो सिमुला जो है ये नहीं है, बाकी सी लैंग्वेज, फोर्ट्रॉन और कोबोल ये आपकी कार्य विधि जो है उन्मुख लैंग्वेज है, ठीक है। तो प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज इसमें 3 है, सी लैंग्वेज, फोर्ट्रॉन, कोबोल, सिमुला नहीं है। निम्न में से कौन सी एक एप्लीकेशन यूनिक्स को एक परिचालन प्रणाली के रूप में उपयोग करती है, तो ये सभी करती है, इंटरनेट सर्वर, मोबाइल डिवाइस, वर्क स्टेशन, ये सभी जो है एप्लीकेशन यूजेस द यूनिक्स एज ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्न में से कौन सा एक इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन सर्वाधिक परिनियोजित इंटरनेट लेयर प्रोटोकॉल है, तो ये IPv4, ठीक है, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन विच इज मोस्ट डिप्लॉयड इंटरनेट लेयर प्रोटोकॉल। फिर एक कंप्यूटर फायरवॉल का क्या मतलब है, ठीक है, तो यह एक सॉफ्टवेयर अथवा हार्डवेयर आधारित प्रोग्राम है जो चुनौतियों से रक्षण करता है तथा इंटरनेट नेटवर्क को सुरक्षित रखता है। सुपर कुकी किसे कहा जाता है, सुपर कुकी, यह कुकी पब्लिक एक तरह से जो है प्रत्यय डोमेन के साथ होती है, सुफिक्स डोमेन के साथ होती है, इट इज अ कुकी विच इज अ पब्लिक सफिक्स डोमेन, ठीक है, सुपर कुकी इसको कहा जाता है। फिर है निम्न में से कौन सा माइक्रो प्रोसेसर विश्व का पहला व्यापारिक तौर पर उपलब्ध माइक्रो प्रोसेसर था, तो इंटेल 4004, ठीक है, ये माइक्रो प्रोसेसर जो था विश्व का पहला जो है व्यापारिक तौर पर उपलब्ध माइक्रो प्रोसेसर है।
फिर सुपर कंप्यूटरों में सर्वाधिक सामान्य तौर पे प्रयुक्त तो ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? तो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो सुपर कंप्यूटरों में सबसे ज्यादा सामान्य तौर पे प्रयुक्त होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है। फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर तो एलन ट्यूरिंग इन ऑप्शंस में से, ठीक है। फिर है यवन पिया यापनिया, ठीक है। यापनिया जो है वो किसका संप्रदाय था? तो ये जैन धर्म का संप्रदाय था। सारनाथ बुद्ध के जीवन के किस पहलू से जो है वो जुड़ा? सारनाथ में बुद्ध ने जो है वो अपना पहला धर्म उपदेश दिया था, यूपी में है सारनाथ। बाण भट्ट किसके शासनकाल में रहे? बाण भट्ट जो है वो हर्ष के शासनकाल में रहे। जौबनी जो है वो उत्तर पूर्व की जो है वो एक नृत्य शैली है, तो ये कहाँ कौन करता है इसको? तो ये डिमासास द्वारा की जाने वाली जो है नृत्य शैली है, ठीक है। इनमें से कौन सी एक नृत्य नाटिका है? तो कथकली जो है वो डांस ड्रामा यानी नृत्य नाटिका है। भारत की पहली फिल्म जो है 1931 में बनी, तो वो कौन सी थी? तो पहली बोलती फिल्म भारत की जो थी वो आलमारा थी, 1931 में बनी। निम्न में से कौन सा स्थल प्राग ऐतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो भीमबेटका मध्य प्रदेश में है, वो प्राग ऐतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। किस स्थान पर जो है प्रसिद्ध गुड़ त्रिमूर्ति सदाशिव अवस्थित है? तो ये एलिफेंटा में है, ठीक है। गंधार आर्ट जो है वो क्या है? तो गंधार आर्ट जो है वो भारतीय और ग्रीक शैली का जो है मिश्रण है, गंधार आर्ट। फिर है नील दर्पण किताब किसने लिखी? तो नील दर्पण किताब जो है वो दीन बंधु मित्र की लिखी गई है। फिर है ताल कप्पियम, ठीक है, संगम टेक्स्ट है ये, संगम किताब है ये ताल कप्पियम। तो इसकी जो विषय किस विषय पे थी ये? तो ये व्याकरण था एक तरह से, ठीक है। बैसाखी उत्सव कब मनाया जाता है? तो बैसाखी उत्सव खालसा पंथ की स्थापना पर जो है वो बैसाखी उत्सव मनाया जाता है, ठीक है, अप्रैल में, 13 अप्रैल को। इनमें से कौन सा उत्सव पौराणिक राजा बलि से घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है? तो जो ओणम है, ठीक है, ये राजा बलि से जुड़ा हुआ जो है ये उत्सव है। फिर है कौन सा नेता कभी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बना? तो बाल गंगाधर तिलक कभी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने, बाकी तीनों बने हैं, जवाहरलाल नेहरू, दादा भाई नौरोजी और मोतीलाल नेहरू। देश बंधु के नाम से कौन जाना जाता था? तो देश बंधु के नाम से चितरंजन दास जाने जाते थे। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब की गई? तो ये है 1928 बाई 1920 में, ठीक है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस तो ये 1920 में स्थापित हुई है। भारतीय महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने? तो ये बेलगाम अधिवेशन कर्नाटक में 1924 में बने, एक ही बार बने हैं इसी अधिवेशन में। फिर किसे आर्थिक राष्ट्रवाद के प्रणेता के रूप में याद किया जाता है? तो ये आरसी दत्त जो है वो आर्थिक राष्ट्रवाद के प्रणेता के रूप में याद किए जाते हैं। फिर है कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये पी लॉरेंस, ठीक है, लॉरेंस ने जो है वो कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता की थी। निम्न में से कौन अगस्त प्रस्ताव से संबंधित था? तो लॉर्ड लिन लिथगो जो थे वो अगस्त प्रस्ताव से जुड़े हुए थे, लॉर्ड लिन लिथगो, ठीक है। फिर है आयरन मैन ऑफ इंडिया भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता था। लोकनायक के नाम से कौन जाने जाते थे? जयप्रकाश नारायण को लोकनायक कहा जाता था। भारत छोड़ो आंदोलन किसके विरोध में चलाया गया? भारत छोड़ो आंदोलन क्रिस्प जो प्रपोजल था, क्रिस्प जो मिशन था उसके प्रस्ताव के विरोध में जो है भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो चलाया गया। फिर भारत का प्रथम राज्य जिसका निर्माण भाषा के आधार पर हुआ था? तो आंध्र प्रदेश 1953 में बना। जम्मू कश्मीर जो है वो 26 अक्टूबर 1947 को भारत का जो है वो अभिन्न अंग बन गया, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा कब बना? 26 अक्टूबर 1947। निम्न में से किसने सर्वोदय योजना का प्रारूप जो है वो तैयार किया था? तो ये जयप्रकाश नारायण ने जो है वो सर्वोदय प्लान शुरू किया था। 64 दिन तक जेल में भूख हड़ताल करने के बाद किस क्रांतिकारी की मृत्यु हो गई थी? तो ये जतिन दास की मृत्यु हो गई थी। रानी गेदिनलिव एक निडर स्वतंत्रता सेनानी थी, ठीक है। तो ये कहाँ से संबंधित थी? तो ये मणिपुर से जुड़ी हुई थी, ठीक है, रानी गेदिनलिव। फिर राज्यसभा के सदस्य जो होते हैं वो परोक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं, ठीक है, परोक्ष रूप से इलेक्टेड इनडायरेक्टली राज्यसभा के जो भी सदस्य होते हैं।
लोकसभा के सदस्यों की स्थिर संख्या कितनी है? तो ये 545 है। फिर अब प्रो टेम स्पीकर जो है वो उसका मेन काम क्या होता है, तो वो जब वो शुरुआत में जो है वो सिर्फ सदस्यों को शपथ ग्रहण करवाता है, प्रो टेम स्पीकर, ठीक है। फिर जीरो आवर क्या है? शून्यकाल। तो ये जहां पर जो है अति महत्व के विषय उठाए गए हों, शून्यकाल उसको कहा जाता है। फिर लोक लेखा समिति अपना प्रतिवेदन किसको सौंपती है? तो जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है पीएसी, वो अपना प्रतिवेदन जो है वो स्पीकर लोकसभा को सौंपती है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कितने प्रकार के परमादेश जारी किए जा सकते हैं? रिट्स कितने प्रकार की है सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी करने के लिए? तो 5 प्रकार के रिट्स है आर्टिकल 32 में, ठीक है। किसकी नियुक्ति जो है राज्यपाल नहीं करता? एडवोकेट जनरल, चीफ मिनिस्टर, मेंबर ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन या जज ऑफ हाई कोर्ट। तो जो हाई कोर्ट के जज है उसकी नियुक्ति जो है वो राज्यपाल नहीं करता, ठीक है। शपथ दिलाता है पर नियुक्ति नहीं करता, वो राष्ट्रपति द्वारा होती है कोलिजियम के उस पे। फिर राज्यपाल का वेतन जो है वो कहाँ से निकलता है? तो ये राज्य की जो समेकित निधि है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट जो है, वहां से जो है वो राज्यपाल का वेतन निकलता है, ठीक है। तो जो त्रिस्तरीय पंचायती राज सिस्टम है उसकी सबसे पहले जो है वो उसका सुझाव जो है वो किसने दिया था? तो वो बलवंत राय मेहता कमेटी ने दिया था 1957 में, ठीक है। फिर है प्रिया सॉफ्ट क्या है? तो प्रिया सॉफ्ट एक पंचायत से जुड़ा हुआ सॉफ्टवेयर है शायद, प्रिया सॉफ्ट। फिर है सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो ये थे एम वीरप्पा मोइली, ठीक है। तो वीरप्पा मोइली जो है वो द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को जो है वो प्रभावशील कर आर्थिक आपातकाल की जो है वो घोषणा की जा सकती है? तो जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है वो आर्टिकल 360 के अंतर्गत जो है वो लगाई जा सकती है। संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है? तो संविधान में 22 भाषाओं को जो है वो मान्यता प्रदान की गई है। फिर है भारतीय संविधान की जो 11वीं अनुसूची है वो किससे जुड़ी हुई है? तो ये जो है पंचायती राज के प्रावधानों से जुड़ी हुई है, ठीक है। फिर है कौन सी स्कीम जो है भारत के राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का पुनर्गठित रूप है? तो ये साक्षर भारत जो योजना है वो जो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन है, ठीक है, उसका पुनर्जीवित या पुनर्गठित रूप है। आम आदमी बीमा योजना के अंतर्गत किसको सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जा रही है? तो ये ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले जो भूमिहीन श्रमिक हैं, ठीक है, लैंडलेस लेबर्स जो हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, उनके लिए है आम आदमी बीमा योजना। फिर है जो नरेगा है वो कब कितने जिलों में शुरू की गई थी? तो ये 200 जिलों में जो है वो शुरू की थी शुरुआत में। फिर नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है? तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है। फिर है सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? तो ये कटक में है, उड़ीसा के। फिर गिल्ट एज का क्या मतलब है? तो गिल्ट एज का मतलब है सरकारी प्रतिभूतियों की मार्केट, मार्केट ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ठीक है। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी के मार्केट को हम गिल्ट एज कहते हैं। फिर भारत में बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋण में किस क्षेत्र को प्राथमिकता दी जाती है? तो ये सभी को, कमजोर वर्गों को, सूक्ष्म और लघु उद्योगों को और कृषि को, इन सभी वर्गों को जो है ये प्राथमिकता दी जाती है भारत में जो भी लोन वगैरह दिए जाते हैं। फिर जो डीवैल्यूएशन है उसका मेजर उद्देश्य क्या है, प्रमुख उद्देश्य अवमूल्यन का क्या है? तो इसका मेन उद्देश्य है निर्यात को बढ़ावा देना। तो चीन अपनी मुद्रा में जो है वो अवमूल्यन डीवैल्यूएशन करता रहता है निर्यात को बढ़ाने के लिए। फिर है इंश्योरेंस ट्रेड इन इंडिया इज रेगुलेटेड बाय, तो जो भारत में जो बीमा है, ठीक है, उसका नियमन कौन करता है? तो ये IRDA, जितने भी जो इंश्योरेंस है, बीमा है व्यवसाय, वो रेगुलेट होते हैं, ठीक है, जो IRDA द्वारा। फिर चुंगी की वसूली और संग्रहण किसके द्वारा किया जाता है? ऑक्ट्राय जो है वो किसके द्वारा जो है लेविड एंड कलेक्टेड, ठीक है। तो वसूली और संग्रहण किसके द्वारा किया जाता है? तो ये जो है लोकल बॉडीज जो है वो चुंगी का जो है वो वसूली करती है। फिर है भारत में सर्वप्रथम जो विद्युत की आपूर्ति है वो कहाँ शुरू की गई थी? तो दार्जिलिंग में शुरू की गई थी। पेपर गोल्ड किसे कहा जाता है? तो पेपर गोल्ड जो है वो SDR जो है IMF का, ठीक है, स्पेशल ड्राइंग राइट्स जो है IMF के, उसको कहा जाता है पेपर गोल्ड। फिर है मर्क
सर, ठीक है, का सदस्य कौन नहीं है? ठीक है, सर्दन कॉमन मार्केट है ये मर्क्यूसर। तो चिली जो है इसका पार्ट नहीं है, अर्जेंटीना, पैराग्वे और उरुग्वे इसका हिस्सा है। फिर है किस राज्य की सर्वाधिक लंबी तट रेखा है? तो ये गुजरात की है। ठीक है, पश्चिमी घाट क्या है? तो पश्चिमी घाट जो है ये पठारों की कगार है। ठीक है, फिर किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनती है? तो ये बांग्लादेश के साथ है। जास्कर पर्वत श्रेणिया कहाँ पर स्थित है? तो ये जम्मू कश्मीर में है। किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा फ्रेश वाटर द्वीप है? तो ये आसाम में है, माजुली द्वीप, ब्रह्मपुत्र नदी में। फिर कौन सा नदी एक नदी मुख का निर्माण करती है? एस्चुरी कौन सी नदी बनाती है? तो नर्मदा नदी जो है वो एस्चुरी का निर्माण करती है। बादलों से बरसात प्रेरित करने की टेक्निक को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो इसको क्लाउड सीडिंग कहा जाता है। फिर निम्न में से कौन सा भारत में स्थापित किया गया पहला राष्ट्रीय पार्क है? तो ये कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में, ये पहला राष्ट्रीय पार्क है, नेशनल पार्क भारत का। किस प्रकार की मृदा अधिकतम जल की मात्रा जो है वो धारण करती है? तो ये जो क्लेई जो मिट्टी है वो सबसे ज्यादा मात्रा धारण करती है। फिर टेरेस फार्मिंग कहाँ पर की जाती है? तो ये छतों पे की जाती है टेरेस फार्मिंग। निम्न में से कौन सी एक खरीफ की फसल नहीं है? तो ये सरसों जो है, मस्टर्ड, ये रबी की फसल है, बाकी सारी जो है वो खरीफ की फसल है। तो आंसर इसका जो है वो सरसों आएगा। कॉटन, ग्राउंड नट और मेज जो है ये खरीफ की फसल है, और सरसों जो है रबी की फसल। टेहरी डैम जो है किस नदी पर बना है? तो ये भागीरथी नदी के ऊपर बना है। ठीक है, किसे भारत का श्रिम्प यानी झींगा कैपिटल कहा जाता है? तो नेल्लौर। ठीक है, नेल्लौर को हम भारत का झींगा कैपिटल कहते हैं, श्रिम्प कैपिटल ऑफ इंडिया। फिर है कौन सा राज्य भारत में रॉक फॉस्फेट का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो राजस्थान जो है वो रॉक फॉस्फेट का सबसे बड़ा उत्पादक है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? कोयम्बटूर को जो है वो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। ठीक है, आर्टिफिशियल पोर्ट ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो चेन्नई जो है भारत का कृत्रिम बंदरगाह है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे बड़ा जो जनजाति है वो कौन सी है? तो भील जो है भारत की सबसे बड़ा ट्राइबल ग्रुप है, जनजाति है। रेड डाटा बुक जो है वो किसके बारे में सूचना देता है? तो जो एंडेंजर्ड स्पीसीज होते हैं, खतरे में रहने वाले जो प्रजातियां हैं उनके बारे में जो है वो रेड डाटा बुक में जो है वो उसकी सूचना दी जाती है। SPM की फुल फॉर्म, तो सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, ये इसकी फुल फॉर्म है, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। ओजोन क्षेत्र की सबसे ज्यादा चर्चा जो है वो कहाँ पर है? तो ये ध्रुवों पर देखी गई है, अंटार्कटिका के पास ओजोन छिद्र। शोला वन जो है ये कहाँ पर मिलते हैं? तो ये उष्णकटिबंधीय पर्वतीय वन है, शोला फॉरेस्ट। भारत में सबसे अधिक संख्या में टाइगर रिजर्व कहाँ पर हैं? तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जो है वो टाइगर रिजर्व है। वैश्विक तापन के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है ग्लोबल वार्मिंग के लिए? तो कार्बन डाइऑक्साइड है। भारत में सबसे पुराना कोयला क्षेत्र क्या है? तो भारत में सबसे पुराना कोयला क्षेत्र क्या है? रानीगंज। ठीक है, एक घनाकार को 27 छोटे घनाकारों में विभाजित किया जाता है जिसकी प्रत्येक भुजा 3 सेंटीमीटर है। तो बड़े घन की भुजा की लंबाई क्या होगी? तो उसकी 9 सेंटीमीटर होगी। फिर अब पीयूष उत्तर दिशा में 7 मीटर चला, दाहिने मुड़ गया, फिर 6 मीटर चला, इसके पश्चात वो फिर दाहिने मुड़ के 15 मीटर चला, तो अभी वो आरंभिक स्थिति से कितनी दूर है? तो ये 10 मीटर आएगा इसका आंसर। ठीक है, पाइथागोरस की थ्योरम लगनी हुई। ठीक है, ABCDEF एक वृत्त में बैठे हैं, उनका मुख जो है केंद्र की तरफ है, DF और B के बीच में है, AD से दाएं तरफ दूसरे क्रम में है और तथा E से दाहिने तरफ दूसरे क्रम में है। तो A की तरफ मुख कौन किसने किया है? तो B या F है इसका आंसर। D की तरफ मुंह किसने किया है? तो इसका आंसर C है। ठीक है, रमन एक कक्षा में जिसमें 31 विद्यार्थी हैं, नीचे से 9वां है, ठीक है, तो ऊपर से उसकी स्थिति क्या होगी? ठीक है, तो जो है ऊपर से उसकी स्थिति जो है वो 23वीं होगी, इसमें एक प्लस कर देते हैं। ठीक है, एक महिला का परिचय देते हुए एक व्यक्ति ने बताया कि उसका पिता मेरी माता का अकेला पुत्र है, तो उस व्यक्ति का महिला से क्या संबंध है? तो वो व्यक्ति जो वो उस व्यक्ति का महिला से क्या संबंध है? तो वो उसकी बेटी लगती है महिला। ठीक है, यदि 7 और 51 तक की सभी 7 से भाज्य संख्याएं निकाली जाएं तो कुल कितनी संख्या शेष रह जाएगी? तो इसमें जो बचेंगी 751 में से 7 से लेकर 51 तक,
अगर 7 से डिवाइड होने वाली सारी संख्याएं निकाल देंगे तो हमारे पास 38 संख्या बचेगी। यदि माह का तीसरा दिन सोमवार है तो उसी माह के 21वें दिन के पश्चात पांचवा दिन कौन सा होगा, तो वो बुधवार होगा। ठीक है, नोबल को QREOH लिखा जाता है, तो प्लेट को क्या लिखा जाएगा, तो प्लेट को जो SODWH लिखा जाएगा। अगर पक्षी का संबंध पंख से है तो मछली का संबंध किससे है, फिन से। ठीक है, पंख से जो उसके फिन्स होते हैं। ठीक है, कौन सा अलग है, टेलीफोन कंप्यूटर रेडियो एक्सरे, तो एक्सरे अलग है। अगर मस्जिद को गुरुद्वारा कहें, गुरुद्वारे को मंदिर, मंदिर को चर्च, चर्च को फायर टेम्पल, तो क्रिश्चियन जो है वो अपनी प्रार्थना के लिए कहाँ जाते हैं, फायर टेम्पल। ठीक है, फोर्ब्स की जो अभी लेटेस्ट लिस्ट है, ठीक है, 2017 का पेपर था, तो किस भारत भारत का सबसे धनवान व्यक्ति उस समय कौन था, तो ये मुकेश अंबानी थे, उस समय भी भारत के सबसे अमीर आदमी। सिटीजन एंड सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये हामिद अंसारी हैं, जो पहले पूर्व उपराष्ट्रपति हैं। हु बिकेम इंडियाज फर्स्ट वुमेन टू विन अ मेडल इन पैरा ओलंपिक्स, तो पैरा ओलंपिक्स में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, तो दीपा मलिक जो है वो पहली भारतीय महिला है। ठीक है, किस मिसाइल तकनीक नियंत्रण रजीम MTCR का 35वां सदस्य जो है वो कौन बनाया गया, तो भारत जो है वो MTCR का जो है मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रजीम का जो है वो 35वां सदस्य बनाया है। किस भारतीय मूल के पुरुष को नाइटहुड से सम्मानित किया गया है, तो ये हरपाल सिंह कुमार को जो है ये नाइटहुड से सम्मानित किया गया है। फिर किस देश ने सफलतापूर्वक शाहीन वन मिसाइल का प्रक्षेपण किया या परीक्षण किया, तो पाकिस्तान ने जो है वो शाहीन फर्स्ट 1A मिसाइल का जो है परीक्षण किया। ठीक है, लोबसंग सांगे जो है वो किस देश के प्रधानमंत्री जो है दोबारा से बने हैं, तो ये तिब्बत के जो निर्वासित सरकार है, एग्जाइल गवर्नमेंट है जो तिब्बत की, तो लोबसंग सांगे जो है वहां के दोबारा से प्रधानमंत्री रीइलेक्ट हुए हैं। किस देश की संसद विश्व में प्रथम है, ठीक है, जो पूर्णतः सौर ऊर्जा पे संचालित है, तो ये पाकिस्तान की संसद है जो पूर्ण रूप से जो है सोलर एनर्जी के ऊपर संचालित है। ठीक है, कौन पहला अंग्रेज क्रिकेटर है जिसने 10,000 टेस्ट रन पूरे किए थे, तो ये है एलिस्टर कुक। ठीक है, एलिस्टर कुक जो पहले इंग्लिश क्रिकेटर हैं इंग्लैंड के, जिन्होंने 10,000 टेस्ट रन पूरे किए, इंग्लैंड के क्रिकेटर। ठीक है, फिर माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली सबसे ज्यादा सफल महिला कौन है, जो सबसे ज्यादा बार चढ़ी है, तो यह है लक्का शेरपा। फिर है सनवे ताहिहुलाइट को विश्व का सबसे तेज जो है फास्टेस्ट कंप्यूटर कहा जाता है, ठीक है, सुपर कंप्यूटर कहा जाता है, तो सनवे ताहिहुलाइट जो है वो विश्व का सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है। यूरो 2016 जो है, यूरो कप, फुटबॉल का यूरो कप 2016 जो है वो किसने जीता, तो ये पुर्तगाल ने जीता, पोर्चुगल ने। ठीक है, विश्व का प्रथम क्वांटम सक्षम उपग्रह मिसियस लॉन्च किसने किया, तो ये चीन ने लॉन्च किया। ठीक है, वर्ल्ड फर्स्ट क्वांटम एनेबल्ड सैटेलाइट मिसियस जो है वो किसने लॉन्च किया, चीन ने लॉन्च किया। प्रथम ब्रिक्स फिल्म महोत्सव जो है वो उसका आयोजन कहाँ किया गया, तो ये नई दिल्ली में किया गया। ठीक है, विश्व का सबसे विशाल रेडियो टेलीस्कोप फास्ट जो है वो किसने शुरू किया, तो ये चीन ने शुरू किया, सबसे विश्व का सबसे विशाल रेडियो टेलीस्कोप फास्ट। फिर हम मेक इन इंडिया के जो एम्बेसडर है, ठीक है, पहला एम्बेसडर जो है मेक इन इंडिया पहल का एम्बेसडर जो है वो कौन है, तो पीरूज खंबाटा। ठीक है, एम्बेसडर ऑफ मेक इन इंडिया इनिशिएटिव पीरूज खंबाटा। फिर है भारत की सबसे तीव्र गति से चलने वाली ट्रेन जो है वो कौन सी है, तो ये गतिमान एक्सप्रेस है। 21वें जो विधि आयोग है, लॉ कमीशन है, उसके चेयरमैन कौन है, तो ये न्यायमूर्ति बलबीर सिंह चौहान है। ठीक है, फिर IOC के प्रथम भारतीय महिला सदस्य कौन बनी, ठीक है, फर्स्ट वुमेन मेंबर ऑफ IOC, तो ये नीता अंबानी बनी है। ठीक है, इंडियन ओलंपिक कमेटी। फिर कौन सा राज्य जो है वो GST विधेयक को संशोधित करने वाला पहला राज्य बना, तो आसाम ने सबसे पहले जो है GST संशोधित विधेयक को जो है ये अपनाया था। फिर INS तारमुगली ये क्या है, तो ये फॉलो ऑन वाटर जेट फास्ट अटैक क्राफ्ट है, ये फॉलो ऑन वाटर जेट फास्ट अटैक क्राफ्ट है INS तारमुगली, ये पहला जो है ये फॉलो ऑन वाटर जेट फास्ट अटैक क्राफ्ट है। स्वच्छ हिमाचल, पढ़ाई भी सफाई भी, ये कैंपेन जो है ये किसने लॉन्च किया था, तो ये हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन HPCA द्वारा लॉन्च किया गया।
भारत का वो पहला राज्य जिसने रोटा वायरस टीकाकरण प्रोजेक्ट की शुरुआत की तो ये हिमाचल प्रदेश था। 2015 की विश्व कप पैराग्लाइडिंग कहाँ पर संपन्न हुई थी तो ये भारत में संपन्न हुई थी। ठीक है, भारत का प्रथम ई विधान मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया था तो हिमाचल प्रदेश ने लॉन्च किया था। INA से निम्न में से कौन संबंधित रहा है तो ये हिमाचल जीके का है, बख्शी प्रताप सिंह जो है वो भारतीय राष्ट्र INA से। ठीक है, इंडियन जो है आपकी नेशनल तो INA से सुभाष चंद्र बोस की INA से बख्शी प्रताप सिंह जो है वो जुड़े हुए थे। फिर भारतीय कैबिनेट की प्रथम स्वास्थ्य मंत्री थी राजकुमारी अमृत कौर। आइस स्केटिंग क्लब जो है वो हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर स्थित है तो ये शिमला में स्थित है। IGMC कहाँ पर है, ये भी शिमला में है। YS परमार यूनिवर्सिटी हॉर्टिकल्चर और फॉरेस्ट्री की ये कब एस्टेब्लिश हुई, 1985 में। हिमाचल प्रदेश का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, कांगड़ा। हिमाचल प्रदेश में जो SC की पॉपुलेशन है वो कितने परसेंट है तो ये 25% है। ठीक है, कौन सा जिला जो है वो सबसे पहले बनाया गया, सोलन, मंडी, चंबा, किन्नौर, तो इनमें सबसे पहले जो जिला है ठीक है वो चंबा बना था। ठीक है, फिर हिमाचल प्रदेश की राज्य विधानसभा का पहला अध्यक्ष कौन था तो ये पंडित जयवंत राम जो है वो पहले विधानसभा अध्यक्ष है। होली का त्योहार कहाँ का फेमस है तो ये हमीरपुर के सुजानपुर टीरा का फेमस है। ठीक है, स्वांग तेगी जो डांस है ये कहाँ पर होता है, किस समय किया जाता है तो ये दिवाली के समय किया जाता है, सिरमौर का है ये। फिर हिमाचल के किस जिले में सबसे कम सड़क नेटवर्क है तो ये किन्नौर जिले में है। फिर इंग्लिश में जो है आपने एरर फाइंड करना है तो द पेशेंट विल डाई बिफोर द डॉक्टर कम्स, नो एरर, तो यहाँ द पेशेंट विल डाई यहाँ पर एरर है। शी इज मोर ब्यूटिफुल बट नॉट सो इंटेलिजेंट एज हर सिस्टर, तो यहाँ पर भी जो शी इज मोर की जगह मोस्ट ब्यूटिफुल आना था तो ये ए वाले ऑप्शन में एरर है। आई डिक्लेयर्ड दैट ऑल विल गो रॉन्ग विदाउट हर, तो यहाँ जो है वो बी वाला ऑप्शन दैट ऑल विल गो रॉन्ग ये जो है ये गलत है। ठीक है, इसमें एरर है। वर्क हार्ड लेस्ट यू मे नॉट फेल, तो यहाँ पर जो है यू मे फेल आना था, सी वाला ऑप्शन जो है वो गलत है। ठीक है, फिर आई विल स्टैंड बाई यू इन थिक एंड थिन, ठीक है तो आई विल स्टैंड बाई यू इन थिक एंड थिन में जो है इन जो शब्द है वो जो है उसमें एरर है। फिर नो कंट्री ऑफ वर्ल्ड इज एज ब्यूटीफुल एज इंडिया, तो इसमें भी जो है नो कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है तो यहाँ पर एरर है ए वाले ऑप्शन में। फिर है शी सेड दैट शी वॉज फीलिंग सिक डैश हार्ट, तो एट हार्ट आना था यहाँ पे। आई कैन राइट अ बुक ऑन ग्रामर, ऑन आएगा यहाँ पर 186 में। 187 में बी सर्च्ड फॉर हैप्पीनेस इन वेन, तो यहाँ पे फॉर आएगा। यू आर एडवाइज टू राइट विद पेंसिल, ठीक है तो यहाँ विद आएगा। बी अवेयर ऑफ बैक बाइटर्स, तो यहाँ पे ऑफ आएगा। अवर क्लोथ्स वर सोक्ड इन वाटर, ठीक है तो यहाँ पे इन आएगा। तो यहाँ पर जो है 179 से लेकर और 190 तक जो है वो इंग्लिश के क्वेश्चन है, फिर उसके बाद हिंदी है। इनमें से शुद्ध वर्तनी चुननी है तो अनुसरण जो है वो ए वाला सही है। कुंडली जो है वो बी वाला सही है, ठीक है। त्रिकोण जो है वो सी वाला सही है और आजीविका जो है वो ए वाला सही है, ठीक है। और ओजस्वी जो है वो बी वाला सही है। जो धन का दुरुपयोग करता है उसको अपव्यय कहा जाता है। नीरस में कौन सा समास है तो नीरस में जो है वो अव्यवी भाव समास है। व्यापक का सही संधि विच्छेद है सी वाला ऑप्शन, वी प्लस अपक। अंधा बनना मुहावरे का अर्थ है जानबूझकर किसी बात पर ध्यान न देना। और वात्सल्य का पर्यायवाची जो है वो नहीं है विग्रह, प्रेम नेह और स्नेह जो है वात्सल्य का पर्यायवाची है और जो नहीं है वो है विग्रह। तो ये था जूनियर ऑफिस असिस्टेंट 2017 का पेपर। थैंक यू।